सूर्य हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के थर्ड गाने के बारे में। इस गाने के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली जो आप लोगों से शेयर करना तो जरूर बनता है। इससे पहले आपसे ये गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए ताकि आप कोई भी अपडेट इस चैनल से मिस ना कर सके। साथ ही मेरे नए चैनल सिनेमा क्रेज को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जहां पे आपको पब्लिक रिव्यू पब्लिक डिमांड पर मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, चैनल का। अभी यहाँ पे बात की जाए कि आखिर माजरा क्या है। भूत राजा एक गाना है 1977 की फिल्म का चाचा भतीजा, यानी कि धर्मेंद्र और रणधीर कपूर इस फिल्म में नजर आए थे और ये गाना फिल्माया गया था हेमा मालिनी के ऊपर। और ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद आई थी उस समय। भूत राजा बहा राजा कुछ इस तरह से गाना है। इस गाने को रिक्रिएट थोड़ा बहुत किया गया था चालबाज जब श्रीदेवी की आई थी 1990s में, एंड देन अगेन इस गाने को रिक्रिएट किया जा रहा है। उस समय आई थिंक चालबाज के टाइम पे शायद उतना नहीं पता कितना किस तरह से रिक्रिएट किया गया, बट यस थोड़ा सा इससे आउटपुट लिया गया था, दैट्स फॉर श्योर। और यहाँ पर भूत राजा सॉन्ग जो है अभी जो हाउसफुल 4 में है ये री इनकारनेशन वर्जन है, यानी कि वही सॉन्ग को रिमेक किया गया है नए तौर पर। और इस गाने में 500 डांसर्स नजर आएंगे और यहाँ पे भूत राजा सॉन्ग में आपको जो नजर आएंगे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस फिल्म में जो नाम है राम से बाबा नाम है, और अगर आपको बता दूं राम से ब्रदर्स हमेशा से फेमस है भूत की फिल्में बनाने के लिए। तो इस फिल्म में राम से बाबा आई थिंक किसी तरह से ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है वो भी राम से ब्रदर्स को, और राम से बाबा बने हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 500 बैकग्राउंड में डांसर्स नजर आएंगी और जो स्कल होता है ना खोपड़ी उससे पूरा सेट सजाया गया है। इवन जो एक बैठने की जो जगह है कुर्सी जिसे हम कहते हैं चेयर है ना थ्रोन, वो भी सजाया गया है। एंड 3 माले की बिल्डिंग बनाई गई है वो जो रेसिडेंस है राम से बाबा का। तो बहुत कुछ इस गाने में आपको नजर आएगा। ये गाने की शूटिंग मुंबई में की गई थी और इस गाने में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, जॉनी लीवर, चंकी पांडे और कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े सभी नजर आए थे। और आपको बता दूं साजी नायड वाला जिन्होंने किक फिल्म की थी उसमें आपको याद होगा किक में सलमान खान के साथ नजर आए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया साजी नायड वाला ने, जो इस गाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए। ये गाना आज आएगा या नहीं इसका कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज ही न्यूज आई तो आज आ सकता है या मे बी कल आएगा, अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ भूत राजा इस गाने का नाम है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए फिल्म कितना ही।